नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का एक और नई और बेहतरीन वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ गुजरात टाइटंस के टारगेटेड प्लेयर्स के बारे में कि किनको जो है वो हमारी करंट चैंपियन डिफेंडिंग चैंपियन जो है वो खरीदने के लिए टारगेट कर सकती है IPL ऑक्शन 2023 में, और किस खिलाड़ी को अपनी टीम में लेने के लिए बिडिंग वॉर करती हुई नज़र आ सकती है। तो ऐसे में जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग जो टीम अभी नज़र आ रही है वो तो गुजरात टाइटंस ही है, और क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन है, पहला ही सीज़न था उनका और उसी में जो है उन्होंने टाइटल भी जीता। तो देखना होगा कि किस खिलाड़ी को जो है वो इस साल वो टारगेट करेंगी और अपनी टीम में जो है वो लेकर आएंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और अब तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कर दो, और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ कहीं पर इस तरीके से चैनल सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, लेकिन इसको नहीं दबाना है, आपको नीचे जो लाल कलर का बटन है ना उसको दबाना है और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर पहले खिलाड़ी की, तो मुझे लगता है वो खिलाड़ी जो है वो कैमरून ग्रीन हो सकते हैं। सभी के टारगेटेड प्लेयर्स लिस्ट में जो है वो कैमरून ग्रीन का नाम ज़रूर से ज़रूर आता है, और मुझे लगता है कि एक और जो खिलाड़ी है वो कैमरून ग्रीन ही है जो क्या कहते हैं गुजरात टाइटंस की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। हार्दिक पंड्या और राहुल तेवतिया के साथ ऑलराउंडर वाली जो श्रेणी है उसमें जो हिस्सा ले सकते हैं, और अच्छा प्रदर्शन जो है वो गुजरात टाइटंस को कैमरून ग्रीन भी करके दे सकते हैं। अच्छे ऑलराउंडर हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं, और गुजरात टाइटंस में तो बहुत सारे ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं, और एक और ऐसे ही खिलाड़ी वो हो सकते हैं, ओपनिंग भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अभी तो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन गुजरात टाइटंस के पास मौजूद है ओपनिंग का, शुभमन गिल और रिद्धिमान शाह के रूप में, लेकिन अगर रिद्धिमान शाह नहीं खेल पाते हैं तो ऐसे में आप खिला सकते हैं कैमरून ग्रीन को भी और क्या कहते हैं ओपनर के पोजीशन पर, और आपके लिए ताबड़तोड़ प्रदर्शन करके वो उस पोजीशन पर दे सकते हैं। तो वहीं अब अगर मैं बात करूँ दूसरे खिलाड़ी की, तो वो हो सकते हैं मयंक अग्रवाल, क्योंकि एक टॉप ऑर्डर बल्लेबाज तो चाहिए है गुजरात टाइटंस को। वो एक दिक्कत रही थी उनके लिए, जो नंबर 3 का स्लॉट था वो जो है वो पूरी तरह से फिल नहीं हो पाया था, और उसी में जो भी है टीम नज़र रखी थी KL राहुल क्या कहते हैं एक खिलाड़ी है जिसकी टीम जो है यानी कि लखनऊ सुपर जायंट्स टारगेट कर सकती है मयंक अग्रवाल को। लेकिन अभी मैं पहले बात कर रहा हूँ गुजरात टाइटंस की, तो गुजरात टाइटंस मयंक अग्रवाल को नंबर 3 की जो है वो पोजीशन के लिए टारगेट करते हुए नज़र आ सकते हैं, और अपनी टीम में लाने के लिए जो है वो बिडिंग वॉर कर सकते हैं और मयंक अग्रवाल को अपनी टीम में ले सकते हैं। तो वहीं अब अगर मैं बात करूँ तीसरे खिलाड़ी की, तो वो कहीं ना कहीं हो सकते हैं कीपर बल्लेबाज, जिनके पास हैं कीपर, तो एक है मैथ्यू वेड, तो दूसरी तरफ रिद्धिमान शाह हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैथ्यू वेड को आप उतना चांसेस दे पाओगे या देना चाहोगे, क्योंकि उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया नहीं अब तक जितने भी मौके गुजरात टाइटंस ने दिए हैं। हालांकि उन पर बिलीव दिखाया जा रहा है, उन्हें रिटेन किया है, और रिद्धिमान शाह ने अच्छा प्रदर्शन किया है पिछले जो है वो सीज़न में, लेकिन अगर आपको और भी ज़्यादा स्टेब्लिश खिलाड़ी चाहिए तो टीम टारगेट कर सकती है निकोलस पूरन को, ताबड़तोड़ बल्लेबाज भी हैं और साथ में जो है वो आपको क्या कहते हैं फिनिशिंग भी करके दे सकते हैं, टॉप में भी खेल सकते हैं, और साथ में कीपिंग जो बड़ा ही अहम चीज़ होती है वो भी आपको करके दे सकते हैं। तो ऐसे में गुजरात टाइटंस की टीम निकोलस पूरन को भी टारगेट करती हुई नज़र आ सकती है, क्योंकि वो कैरिबियन पावर भी लेकर आते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी में और कीपिंग में भी एक अच्छा जो है वो साथ ले ला के दे सकते हैं। तो वही अब अगर मैं बात करूँ चौथे खिलाड़ी की, तो वो हो सकते हैं अगर आपको मयंक अग्रवाल नहीं मिलते हैं तो, क्योंकि मयंक अग्रवाल पर बड़ी टीम में जाएंगे, एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं ना, तो कम प्राइस में इनका मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप एक यक्षर की तरफ जा सकते हो जो खतरनाक फॉर्म में चल रहे हैं, जी हाँ बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर N जगदीशन की, रणजी ट्रॉफी में इनका जो फॉर्म है ना वो बहुत ज़्यादा खतरनाक चल रहा है, और बहुत रन बनाए हैं इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में, और साथ ही में जो अभी सईद मुश्ताक अली विजय हजारे ट्रॉफी हुई है उसमें भी उन्होंने बड़ा ही ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। तो यंगस्टर है और फ्यूचर में जो है वो आपके लिए लगातार खेल सकते हैं नंबर 3 पोजीशन पर, ओपनिंग पोजीशन पर। तो ऐसे में N जगदीशन को भी गुजरात टाइटंस की टीम टारगेट ज़रूर कर सकती है, और मुझे तो लगता है टारगेट करना भी चाहिए।
तो वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ पर पांचवे और आखिरी खिलाड़ी की, तो वो एक बॉलर की श्रेणी की तरफ चले जाते हैं। वो हो सकते हैं यहाँ पर जेसन होल्डर, जो कि कैरिबियन खिलाड़ी हैं, आपको एक्सपीरियंस ला के देते हैं, वेरिएशन बॉलिंग में ला के देते हैं और साथ ही साथ बल्लेबाजी भी ठीक ठाक कर सकते हैं। तो ऐसे में आप खरीद सकते हैं क्या कहते हैं जेसन होल्डर को भी, और एक अच्छा एक्सपीरियंस भी आपको देंगे, नीचे लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी भी करके देंगे, एक और अच्छा फिनिशर आपकी टीम में आएगा, और बॉलिंग में तो हम जानते हैं कितनी अच्छी उनके पास वेरिएशंस उपलब्ध हैं। तो ऐसे में गुजरात टाइटंस की टीम जेसन होल्डर को टारगेट करती हुई नज़र आ सकती है। तो यही था आज की हमारी वीडियो में, मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि कौन से 5 खिलाड़ियों को गुजरात टाइटंस की टीम टारगेट कर सकती है और अपनी टीम में लाने के लिए बिडिंग वॉर कर सकती है। ऐसे में कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर गुजरात टाइटंस के फैन हो तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करना, नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, आपकी टीम की भी टारगेटेड प्लेयर्स लिस्ट जो वीडियो है वो मैं ज़रूर लेकर आऊँगा, या तो फिर हो सकता है आप ही चुकी हो, आप जाके देख सकते हो वीडियो सेक्शन में भी। और बाकी मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा किसी दूसरी टीम के टारगेटेड प्लेयर्स लिस्ट के साथ। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।